केवल के वायनाड में हुए भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्यों का आज पांचवा दिन है। अब तक मृतकों का आंकड़ा 308 हो चुका है और अभी भी शवों की तलाश जारी है। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल विकास राणा ने बताया कि आज भी कल की ही तरह विभिन्न जोन्स के लिए अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी। टीमों के साथ वैज्ञानिक और स्निपर डॉग्स भी मौजूद रहेंगे। सेना के अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोग भी राहत और बचाव कार्य में मदद कर रहे हैं। लेट्स सी, अभी जो है आज का प्लान सेम कल की तरह है। हमने भी अलग अलग जोन बांट रखे हैं, उसी जोन के हिसाब से प्लानिंग के साथ जो है पार्टी ऑलरेडी निकल चुकी है और हमारे साथ जो है जो दूसरे टीम है हमारे साइंटिस्ट भी गए हैं साथ में ड्रोन के साथ, प्लस जो है स्निफर डॉग्स वो भी गए हुए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है लेट्स सी क्या होता है। पार्टियां अपनी जो है फिर से जो जोश के साथ गई हैं, थोड़ा सा देखेंगे। अभी अलग अलग एरिया सर्च कर रहे हैं, कल जहां नहीं मिला उस एरिया को हमने जो है दोबारा से एक बार सर्च करके थोड़ी देर फिर जो है नेक्स्ट जगह जाएंगे हम लोग। कि जोन वाइज तो 7-8 जोन है यहाँ पे, तो हमारे को जो टास्क मिला है वो ऊपर वाला जोन है जो कि मंडकई एक विलेज है और पुंजरी मतम एक विलेज है, तो वहां दोनों जगह है। इसके अलावा ये स्कूल हमारे पीछे दिख रहा है, उसके पीछे की तरफ भी जो है वहां पे भी जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हाँ हाँ, लोकल जो है ऑब्वियसली लोकल हमारे लिए जो है सपोर्ट है, क्योंकि हम लोग नए हैं, हम लोग दूसरी जगह से आए हैं, लोकल ही हमें बता पाएंगे कि घर कहाँ कहाँ था। क्योंकि ये इतना ज्यादा मैसिव जो है लैंडस्लाइड था, तो हमें घर का और गांव का इतना एग्जैक्टली लोकेशन पता नहीं है, तो लोकल की मदद से हम लोग कर रहे हैं ये सारी चीजें। सी, कठिनाई तो इनिशियली बहुत था, क्योंकि ये जहां पे अभी हम लोग खड़े हैं ये आर्मी ने बनाया हुआ ब्रिज है, पहले ब्रिज नहीं था, तो हमने एक टेम्परेरी जो है दूसरी हाँ लकड़ी का पुल इनिशियली जब बनाया है वहां से हमने जो 1000+ जो है सिविलियन को निकाला भी था, रेस्क्यू किया था फर्स्ट नाइट में। तो अभी ये बनने के बाद थोड़ा सा मैनोवरेबिलिटी जो है थोड़ा सा इजी हो गया है, और आप साथ में एक और ब्रिज देख सकते हैं। जब ये ब्रिज नहीं बना था तो एक और ब्रिज जो है मतलब बना चुके थे। इसका कहने का मतलब है कि हमने टोटल जो है आर्मी ने 3 ब्रिज बनाए, टेम्परेरी, फिर दूसरा, फिर ये। तो चैलेंजेस यही है कि वाटर का फ्लो बहुत ज्यादा है, करंट, और जो मलबा आ रखा है तो मलबा जो है दलदल जैसा हो गया है, जिसके कारण कि अंदर घुसना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर एक बार घुस गया तो वो दलदल में फंस जाता है।